ग्वालियर में कलेक्ट्रेट के पास एक खाली प्लॉट में एक महिला का शव मिला है। महिला का चेहरा और सीना जला हुआ है। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कुछ युवकों के नाम लिखे गए हैं। लेटर में महिला का नाम माया लिखा हुआ है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि सुसाइड नोट भ्रमित करने के लिए डाला गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। थाना यूनिवर्सिटी क्षेत्र अंतर्गत ये अपना कलेक्ट्रेट के पीछे जहाँ नया अदालत बन रही है और पीछे रोड किनारे पीछे एक प्लाट खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक अर्ध जलीय अवस्था में महिला की एक बॉडी मिली है। घटनास्थल के जो हालात बता रहे हैं किसी प्रकार की घटना की तरफ इंगित कर रहे हैं। हाँ, उसके कपड़े उतरे हुए रखे थे, शरीर पर जो पेटीकोट था और ब्लाउज थे वो जले हुए हैं, बाकी साड़ी और जो गर्म कपड़ा स्वेटर वगैरह पहनी थी वो उतरे हुए रखे। उस आधार पे तो घटना किसी प्रकार घटना की ओर इंगित हो रहा है। पूरी जो घटनास्थल बोल रहा है वो घटना किसी विशेष बड़ी घटना की ओर इंगित कर रहा है। जांच है, पीएम कराने के लिए बॉडी भेज दी है और फाइंडिंग सामने आ जाएगी, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया जाएगा।